नमस्कार दोस्तों, मैं सिर्फ सुनील परदेशी अमरनाथ महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और आपका इस चैनल में फिर से जोरदार स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए और उसमें भी सेफ शॉप यानी सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ही क्यों करनी चाहिए। साथियों एक बात हमेशा याद रखना, जब तक आपके पास कोई बड़ा काम करने का कोई बड़ा कारण नहीं होता तब तक आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति जब अपने करियर के चुनाव के बारे में विचार कर रहा होता है तो हमारे समाज में सबसे पहला विकल्प होता है जॉब, सरकारी हो चाहे प्राइवेट। दूसरा विकल्प होता है ट्रेडिशनल बिजनेस यानी हमारा पूर्वजनों का बिजनेस संभाल लेना। तीसरा विकल्प है एंटरप्रेन्योर यानी खुद के बल बूते पे बिजनेस खड़ा करना। करोड़ रुपए लगाओगे तो लाखों रुपए मिलेंगे और लाखों रुपए लगाओगे तो हजार रुपए मिलेंगे। साथियों आपको जान के खुशी होगी कि आज के जमाने में चौथा विकल्प भी है और वो है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। उनमें से सबसे बेहतरीन तरीके से काम करने वाली, 20 सालों से लगातार लोगों के जिंदगियों में खुशियां लाने वाली कोई नहीं, भारत की नंबर वन संस्था सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से, पूरा नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। बारी आती है हमें बिजनेस क्यों करना है। मैं आपसे पॉइंट वाइज बात करना चाहूंगा, बिजनेस करने का सबसे पहला कारण जीरो इन्वेस्टमेंट। साथियों आपको जानकर खुशी होगी हमारे सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार की लागत नहीं है। साथियों अगर मैं सच्चाई बताऊं तो कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों करोड़ रुपए की जमीन चाहिए, लाखों करोड़ रुपए बनाने के लिए चाहिए, लाखों करोड़ों का प्रोडक्ट चाहिए और लाखों करोड़ों का मेन पावर चाहिए और इत्यादि। दुख की बात तो यही है, लाखों करोड़ रुपए लगाने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि अपना बिजनेस ठीक ठाक ढंग से चलेगा या नहीं चलेगा। साथियों डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है भारत सरकार के दिए हुए गाइडलाइन के द्वारा इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो तो आपको किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा कारण है नोबॉस। अगर हम किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो वहां पे कोई ना कोई अपना बॉस पक्का मिलेगा, लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ना तो कोई यहाँ पे बॉस है ना ही कोई कर्मचारी। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने का तीसरा कारण है नो रिस्क। अगर हम किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो 100% कोई ना कोई रिस्क है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो ड्राइवर को अपने जान का रिस्क है, दुकानदार को अपने माल का एक्सपायरी का रिस्क है, जॉब करने वाले को नौकरी से निकाल देने का रिस्क है, डॉक्टर के हाथों में पेशेंट का जान का रिस्क है। अगर हम दुनिया का कोई भी क्षेत्र लेते तो वहाँ पे 100% कुछ ना कुछ रिस्क है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एकलौता ऐसा बिजनेस है कि इसमें किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग करने का चौथा कारण है खाली समय का सदुपयोग। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ खाली समय जरूर मिल रहा है। इस समय में आप टीवी देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो और आप उसी कीमती समय को आप बर्बाद कर रहे हो। साथियों उसी खाली समय को अगर आप इस बिजनेस के लिए उपयोग करते हो तो यहाँ से आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हो। पांचवा कारण एक दूसरे की मदद से किए जाने वाला बिजनेस। जैसे कि आप देख सकते हो भलाई का जमाना बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका जाना पहचाना डॉक्टर हो तो वो भी चाहेगा कि आपके घर में कोई बीमार हो, अगर आपका कोई जाना पहचाना वकील होगा वो भी चाहेगा कि आपके घर में कोई बहसबाजी हो, अगर आपका कोई जाना पहचाना फिटर होगा तो वो भी चाहेगा कि आपकी गाड़ी खराब हो। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है आप किसी का लाभ सोचते हो तो आपका अपने आप ही भला होगा। एक के घर में पैसे आएंगे तो दूसरे के घर में पैसे आएंगे, एक के सपने पूरे होंगे तो दूसरे के सपने पूरे होंगे। इसलिए हम इस बिजनेस में बड़े प्यार से और तालमेल से रहते हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग को करने का छठा कारण है कोई सीमा नहीं। अगर आप हफ्ते का 5,000 रुपए कमाने की सोच रखते हो तो यहाँ से आप 5,000 रुपए हफ्ते के कमा सकते हो। अगर आप हफ्ते का 10,000 रुपए कमाने की सोच रखते हो तो यहाँ से आप 10,000 रुपए कमा सकते हो। अगर आपकी सोच हफ्ते का 1,00,000 रुपए कमाने की है तो यहाँ से आप 1,00,000 रुपए कमा सकते हो। अगर आपकी सोच हफ्ते का 2,00,000 रुपए कमाने की है तो यहाँ से आप 2,00,000 रुपए कमा सकते हो। ऐसे हजारों उदाहरण है जिन्होंने इस क्षेत्र में लाखों करोड़ रुपए ईमानदारी से काम करके कमाए और अपने जिंदगियां बदली हुई।
यहाँ पे मिट्टी को सोना होते हुए देखा हुआ है, यहाँ पे एक गरीब इंसान को अमीर बनते हुए देखा है, यहाँ पे स्टूडेंट को इतिहास रचते हुए देखा हुआ है, यहाँ पे बुजुर्ग लोगों को मान सम्मान पाते हुए देखा है, यहाँ पे कोई स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं है, इसी के साथ सभी को समान अवसर दिया जाता है। तो सबसे बड़ा कारण पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो भी व्यक्ति इनके ट्रेनिंग और सेमिनार अटेंड कर लेता है, वहाँ पे जाने के बाद वो लोगों से बातचीत करने का सीखता है, उससे उनकी स्टेज डेयरिंग बढ़ती है और उन लोगों में रहते रहते उनकी सोच भी पॉजिटिव हो जाती है। इसी के साथ रहने सहने का ढंग, बातचीत करने का ढंग, कपड़े पहनने का ढंग बदल जाता है, धीरे धीरे वो खुद के अंदर एक बदलाव महसूस करता है। आठवां कारण, देश विदेश घूमने का सुनहरा मौका। साथियों, आज अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, तो समय ना होने के कारण आप कहीं पर भी जा नहीं सकते, लेकिन अगर आप इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करते हो तो यहाँ से आपको देश विदेश घूमने का मौका मिलता है। अभी नौवा कारण है, राजाओं की तरह जिंदगी जीने का मौका। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि आम आदमी को सेलिब्रिटी बना देता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना जीवन गरीबी में गुजार रहे थे, जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनके पास भी बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़ी कार होगी, लेकिन आज इसी बिजनेस की वजह से बड़े बड़े बंगलों में और आज बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं दोस्तों, जिनको अड़ोस पड़ोस के लोग पूछा नहीं करते थे, आज इसी बिजनेस की वजह से उनको मशहूर बना दिया। अभी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो हमें मजबूर करता है इस बिजनेस को करने के लिए, वो है सिक्योरिटी। आज की तारीख में हर एक इंसान अपने जीवन में सुरक्षा चाहता है, हर एक इंसान चाहता है अगर उसके साथ खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो कहीं से ना कहीं से उसके घर में कुछ पैसा आता रहे। अफसोस की बात तो ये है कि ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी किसी के पास नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है, हमें काम करते करते अगर कुछ हो जाता है तो पूरा बिजनेस फैमिली के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, और फैमिली को कुछ होता है तो पूरा बिजनेस बच्चों के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली इनकम हम डायरेक्ट सेलिंग में काम करके पा सकते हैं। साथियों, आज की ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लगभग सारी जानकारी दे चुका हूं। अगर आपको इस बिजनेस में ज्वाइन करना है तो ऊपर मेरा नंबर दिया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसी के बाजू में बेल आइकॉन दिया हुआ है उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप मेरी नई वीडियो को मिस ना करो। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को खत्म होने से पहले लाइक जरूर कर देना। नीचे मेरी ईमेल आईडी दी गई है और ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, अगर कुछ किसी को शक और सवाल होता है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय दोस्तों।